Welcome. We have talked about stationary time series and some concepts like white noise, properties of stationary time series, and today we shall talk about more on stationary time series and introduce the concept of non-stationary time series. So here you see we have variable 1. If we plot it, I'll provide its data to you through email. If we plot this data, so you see it's autocorrelation function. What is autocorrelation function? Ke aapke paas legs ke saath correlation of yt, jo ye series thi, of with yt minus 1. Correlation of yt with yt minus 2. To ye second spike jo hai, ये सेकंड पे जो आपको नजर आ रही है ये कोरिलेशन ऑफ yt माइनस 2 है. ये थर्ड स्पाइक जो आपको नजर आ रही है ये कोरिलेशन बिटवीन yt एंड yt माइनस 3 है, यानी कि yt के थर्ड लेग के साथ. और ये आपके पास फोर्थ लेग, फिफ्थ लेग, सिक्स्थ लेग पे आप देख रहे हैं कोई खास कोरिलेशन नहीं है, एंड सो ऑन. तो आप देखें तो ये फौरी तौर पे इमीडिएटली डिके हुई है 0.7, 0.49, 0.35 के करीब करीब ये इमीडिएट एक डिके आता है. तो दिस इज कॉल्ड AR1 प्रोसेस. यहां पे आपके पास जो है yt, असल में यहां पे था yt इक्वल टू 0.7 yt माइनस 1. तो ये आपके पास ज्योमेट्रिक डिके बन रहा है, ये आपके पास जो बन रहा है ये ज्योमेट्रिक डिके बन रहा है. सिमिलरली If you look at moving average process के हमने last time भी check किया था definition में, तो ये आपके पास definition moving average जो है, ये आपके पास क्या चीज़ है? तो let's see, पहले मैं आपको moving average की equation दोबारा से हम यहाँ लिख देते हैं. Sorry, मेरी यहाँ पे writing जो है वो through this media बहुत ही खराब आती है. Epsilon t plus beta epsilon t minus 1. तो अब ये जो कोएफिशिएंट है बीटा, ये आपके पास 0.7 है जिसको 5.1 कह रहे हैं. तो आप देखें कि अगर मूविंग एवरेज प्रोसेस होगा, ये मॉडल मूविंग एवरेज प्रोसेस है, ये डेटा भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा. तो इसका ईसीएफ देखिए, तो एक स्पाइक के बाद, इस स्पाइक के बाद क्या हो, ये दो स्पाइक अंदर आ गए, एक स्पाइक के बाद फौरी तौर पर क्या हो गया, जीरो की तरफ अप्रोच करना शुरू हो गया. तो हम ये कहते हैं कि अगर ईसीएफ ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ मूविंग एवरेज आप प्लॉट करेंगे तो इट विल कट ऑफ एट लेग 1. अगर ये मूविंग एवरेज 2 होता तो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन यहां पे लेग 2 तक जाता. इफ इट हैज बीन मूविंग एवरेज ऑर्डर 3 तो इट वुड हैव बीन अप टू 3, 4, 5 लाइक दिस. बट हियर यू हैव मूविंग एवरेज ऑफ ऑर्डर 1, सो देयरफॉर दिस आफ्टर लेग 1 इट कट्स ऑफ टू जीरो. तो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है. अगर आपको ये बात समझ आ जाए तो काफी हद तक आपको मॉडल आइडेंटिफिकेशन जो है वो करना आसान हो जाएगा. वो ये है कि आप जो है इसको ये आप प्लॉट करेंगे, उसके बाद ये इस ऑटो कोरिलेशन फंक्शन आ गया. ऑटो कोरिलेशन फंक्शन में जो ऑटो रिग्रेसिव का ईसीएफ होगा वो डिके नहीं करेगा इमीडिएटली. जो मूविंग एवरेज का ऑटो कोरिलेशन फंक्शन होगा वो मूविंग एवरेज का जो ऑर्डर होगा उसके फौरन बाद डिके कर जाएगा. इसका मतलब, और पीएसीएफ पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन में क्या होगा, रिवर्स होगा. यानी कि मूविंग एवरेज ऑर्डर 1 का पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ये ज्योमेट्रिक डिके की तरह होगा, और ऑटो रिग्रेसिव ऑर्डर 1 का जो पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है वो सिंपली ये इस एसीएफ की तरह होगा. तो इसका मतलब ये है कि इसका जो मिरर इमेज है या इसका जो ऑपोजिट है, दैट इज पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन. तो इसका मतलब है एसीएफ से मूविंग एवरेज का ऑर्डर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, और पीएसीएफ से पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन से एआर का ऑर्डर हम आइडेंटिफाई करते हैं. अभी मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा, उसमें ये बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी. तो यहां पे देखिए पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन क्या होता है. पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन होता है कि लेट्स से मैंने yt को a0 प्लस
a1 yt minus 1 plus a2 yt minus 2 plus epsilon t. तो ये जो a2 तो ये yt का yt minus 2 के साथ जो है ये जो yt का yt minus 2 के साथ correlation है ये जो a2 है this is called partial autocorrelation function partial autocorrelation coefficient या जिसको आप partial regression coefficient भी कहते रहे हैं तो ये self regressive है इसलिए इसको हम इस form में ले रहे हैं इसका मतलब ये होगा कि ये yt और yt minus 2 के दरमियान correlation है holding the effect of eliminating the effect of yt minus 1 from yt as well as from yt minus 2 I'll explain it in another video ye holding the effect of constant ka kya matlab hota hai ye pehle bhi maine pichli video mein bhi bataya tha kafi confusion hai let's go to partial autocorrelation function of arp in general kya hota hai yt equal to a1 yt minus 1 plus a2 yt minus 2 and so on plus ap yt minus p t minus p plus epsilon t तो ये autocorrelation function of order p हो गया तो p is for autoregressive process q is for moving average process तो यहां पे ये देखिए दोबारा से मैंने ये इसी चीज को इस तरह से लिखा हुआ है तो ये आपके पास पांच के ये इक्वेशन आपके पास आ गई लेट्स गो ओके नाउ वी हैव दिस ऑटोकोरिलेशन फंक्शन यू सी दिस इज एआर1 प्रोसेस एंड इट्स ऑटोकोरिलेशन फंक्शन स्टार्ट्स डाइंग declining geometrically look here it starts declining geometrically when it is with negative sign so you see yt equal to minus 0.8 yt minus 1 so ek dafa aur agli dafa hoga minus point into minus 0.64 agli dafa 3 minuses multiply honge to this will come out to be positive negative negative positive to ye alternative ho jayega agar ye positive ho to ye is tarah se to yahan pe bhi aap dekhiye dono ke dono geometric decay hai ek mein ye hai ki wo coefficient positive hone ki wajah se ek hi form mein decay kar raha hai dusre mein jo hai wo alternative decay chal rahe hain look at this ये प्रोसेस है आपके पास AR3 तो यहां पे भी देखिए तो ये दिस इज बिकमिंग अ ज्योमेट्रिक डिके और यहां कोएफिशिएंट्स के साइंस चूंकि आपके पास जो है वो डिफरेंट है तो इसलिए यहां पे थोड़ा सा एक आपके पास जो है वो उसका जो है वो पैटर्न है कि थोड़ी सी डिक्रीज आती है फिर इंक्रीज आ जाती है डिक्रीज आती है इंक्रीज आ जाती है ओके और अब आप देखिए पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन तो मैंने जैसे अभी बात की थी कि पार्शियल ऑटो कोरिलेशन का फंक्शन मतलब ये होता है कि बाकी वेरिएबल्स का इफेक्ट उसमें से एलिमिनेट कर दिया जाए तो AR1 प्रोसेस में चूंकि पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन यानी कि yt का सिर्फ yt माइनस 1 के साथ होगा yt माइनस 2 के साथ नहीं है तो पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन एक लेग के बाद कट ऑफ हो गया और अगर नेगेटिव था तो ये नेगेटिव साइड से एक लेग के बाद कट ऑफ हो गया अगर आपके पास AR2 प्रोसेस था तो ये आपके पास दो लेग के बाद अगर यहां पे तीन है तो ये देखिए एक दो और ये तीन तो ये तीन लेग के बाद आपके पास जो है वो कट ऑफ हो गया यहां पे भी तकरीबन तीन लेग्स के पास एक ये छोटा सा पहली जगह पे नजर आ रहा है और ये दो लेग्स नजर आ रहे हैं तो यहां बात ये हो रही है कि पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन और ऑटो कोरिलेशन फंक्शन की बेस से हम अपने मॉडल की आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन कट ऑफ कर जाए एट सर्टेन लेग और ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ज्योमेट्रिक डिके करे तो ये प्रोसेस एआर होता है और अगर ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ज्योमेट्रिक डिके कट ऑफ करे एट लेग पी क्यू वन टू थ्री और उसका जो है वो
ऑटो कोरिलेशन फंक्शन जो है ज्योमेट्रिक डिके करे, मैं दोबारा से बात कर देता हूं, अगर ऑटो कोरिलेशन फंक्शन कट ऑफ कर दे एक या दो लेग्स के बाद और पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ज्योमेट्रिक डिके करे तो वो प्रोसेस क्या होता है, मूविंग एवरेज। और अगर एसीएफ और पीएसीएफ, मैं अब इसके बाद से एसीएफ और पीएसीएफ कहता रहूंगा, एसीएफ और पीएसीएफ दोनों के दोनों ज्योमेट्रिक डिके कर जाए तो शायद वो मिक्स मॉडल हो सकता है, ए आर एम ए पी क्यू। पी और क्यू का ऑर्डर क्या है, नॉर्मली जितने लेग्स पे वो कट ऑफ होता है हम कहते हैं कि ये पी का लेग है, और इसी तरह से एसीएफ जितने लेग्स पे कट ऑफ होता है हम कहते हैं कि वो क्यू का लेग है। तो अब यहां पे अगेन बात, हम उसी चीज को फर्दर आगे लेके चलते हैं, तो ये है मूविंग एवरेज प्रोसेस। तो यहां देखिए एसीएफ तीन लेग के बाद कट ऑफ हो गया और पीएसीएफ ज्योमेट्रिक डिके हो गया, जिसका मतलब यह है कि यह प्रोसेस मूविंग एवरेज की तरफ जा रहा है। और अगर ये पीएसीएफ होता, ये वाली चीज पीएसीएफ होती और ये वाली चीज एसीएफ होती, तो यह प्रोसेस जो है वो एआर प्रोसेस होता, और अगर दोनों की दोनों इस फॉर्म में होती तो यह प्रोसेस शायद आपके पास ए आर एम ए की कोई फॉर्म होती। तो लेट्स रब दिस, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट दिस, वी आइडेंटिफाई आवर मॉडल। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। अभी मैं आपको एक ग्राफ दिखाऊं, एक टेबल दिखाऊंगा जहां से आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये आपके पास एसीएफ और पीएसीएफ से हम मॉडल को आइडेंटिफाई करते हैं, पहले हम प्लॉट करते हैं फिर एसीएफ और पीएसीएफ फाइंड आउट करते हैं। एसीएफ और क्या चीज है, लेग और कोरिलेशंस, कोरिलेशंस का प्लॉट अगेंस्ट लेग्स ऑफ लेग ऑफ वाई टी या जो भी आपके पास सीरीज है। तो ये वो टेबल है जिसको आपको समझने की जरूरत है, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपके पास प्रोसेस ए आर वन है तो उसका एसीएफ क्या करेगा, ज्योमेट्रिक डिके कर जाएगा, उसका एसीएफ ज्योमेट्रिक डिके कर जाएगा। और अगर वो प्रोसेस जो है वो और उसका पीएसीएफ उतने एक दो लेग के बाद जीरो हो जाएगा। और अगर ए आर पी प्रोसेस है, पी जनरल टर्म है, ए आर टू भी हो सकता है, ए आर थ्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये एक जनरल टर्म है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये आपके पास जो है वो ये आपके पास पी ज्योमेट्रिकली डिके करेगा और ये आपके पास पी लेग्स के बाद कट ऑफ हो जाएगा। सिमिलरली आप देखिए मूविंग एवरेज है तो इसका वही जो ये चीज थी वो यहां पे आ रही है और ये वाली चीज जो है ये ऐसे चल रही है। तो दिस इज हाउ वी डू इट। ओके, लेट एट, तो ये आप देखें तो ये बिल्कुल एक दूसरे का रिवर्स इमेज होगी, तो इससे आपको आइडेंटिफिकेशन होगी। और अगर दोनों के दोनों ज्योमेट्रिक डिके करेंगे तो आप देखिए तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड ए आर एम ए वन वन, ए आर एम ए पी क्यू। पी और क्यू जनरल टर्म्स हैं, ये पी वन हो सकता है, क्यू वन हो सकता है। पी फॉर पाकिस्तान, ये पी जो है ये ए आर का ऑर्डर होता है, क्यू क्यू फॉर क्वेश्चन, ये एम ए का ऑर्डर होता है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो एसीएफ जो है दैट डू नॉट गो टू जीरो, तो इसका मतलब ये है कि सीरीज नॉन स्टेशनरी है। अगर आपके पास एसीएफ हो और वो जीरो को अप्रोच नहीं करे, ऐसे बहुत लंबी उसके लेग्स, जैसे हमने पहले भी एक वीडियो में देखा था कि उसके लेग्स डिके नहीं करें बहुत देर तक, स्टैंडर्ड एरर रेंज ये है, लेट्स से, और लेग्स इससे बाहर रह रहे हैं, तो इसका मतलब है ये प्रोसेस क्या है, नॉन स्टेशनरी है। तो पीएसीएफ एसीएफ जो है ये बेसिकली बॉक्स जेनकिन में पहला जो स्टेप होता है वो होता है कि मॉडल आइडेंटिफिकेशन, तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। तो बहुत सारे कंप्यूटर पैकेजेस ऑटोमेटिकली भी प्रोवाइड करते हैं, ऑर्डर्स तो बहरहाल हमें मैनुअली जरूर देखना चाहिए, ऑटोमेटिक्स की हेल्प लेनी चाहिए, बट वी शुड नॉट रिलाई कंप्लीटली ऑन ऑटोमेट्रिक। स्टेशनरी टाइम सीरीज, तो अब आपके पास अगर स्टेशनरी टाइम सीरीज होगी तो पहले आप मॉडल आइडेंटिफाई कर लेंगे, ए आर वन है, तो
तो फिर आप उसको एस्टिमेट कीजिए, अगर मूविंग एवरेज है तो मूविंग एवरेज को एस्टिमेट कीजिए, फिर उसके रेजिजुअल्स की डायग्नोस्टिक चेकिंग में जाइए। तो अगर आपको ये लगे कि ये सारी चीजें जो है वो आपके पास रेजिजुअल्स उनके व्हाइट नॉइस की तरह बिहेव करते हैं, आई शेल शो यू एम्पिरिकली, तो फिर उसके बाद आप उस मॉडल को करेक्ट अस्यूम करते हुए यू कैन गो फॉर फोरकास्टिंग। अगर स्ट्रक्चरल ब्रेक्स हैं, नहीं है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, विदाउट स्ट्रक्चरल ब्रेक मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस जो है इसकी बहुत ज्यादा वर्थ नहीं होती। एआईसी बीआईसी आपको पता है कि ये आपके पास फार्मूलाज हैं, आपने फार्मूलाज में नहीं जाना, आपको कंप्यूटर कैलकुलेट करके देगा। तो सो लॉन्ग एज यूनिवेरिएट मॉडल्स आर कंसर्न्ड, आपको एआईसी और बीआईसी पे एसबीसी पे रिलाई कर सकते हैं। फोरकास्टेबिलिटी, तो फोरकास्टेबिलिटी मैंने पहले जैसे कहा कि एक विद इन सैंपल होता है, एक आउट ऑफ सैंपल होता है। तो हम क्या करते हैं कि अपना जो मॉडल लगाते हैं वो तो लगाते हैं 1 से लेकर 250 तक, लेकिन जो फोरकास्ट करना है वो 251 से 300 तक करना है। तो ये आउट ऑफ सैंपल हो गया, ये आउट ऑफ सैंपल हो गया और ये विद इन सैंपल हो गया। तो ये बेसिकली आपको फोरकास्ट करनी है किस बेस पे, उसके डिफरेंट क्राइटेरियाज अवेलेबल होते हैं। अकाउंट फॉर पॉसिबल स्ट्रक्चरल ब्रेक्स, तो स्ट्रक्चरल ब्रेक्स की बात हम करेंगे फिलिप्स पेरॉन टेस्ट में, तो इस वक्त हम इसको नहीं देख रहे। जो लोग सेकंड सेमेस्टर में हैं रेगुलर वाले, उनको मैंने चाओ ब्रेक पॉइंट टेस्ट की थोड़ी सी बात की थी कि जी एक चाओ ब्रेक पॉइंट टेस्ट होता है, तो आप चाओ ब्रेक पॉइंट टेस्ट को यूज कर सकते हैं। लेकिन इस केस में आपको यह पता होना जरूरी है कि ब्रेक प्वाइंट कहां पर आ रहा है, तो इस पर हम स्ट्रक्चरल ब्रेक पे बात करेंगे इन आवर फिलिप्स पेरॉन यूनिट रूट टेस्ट में। तो ये आपके पास बिल्ट इन फीचर्स हैं, हर सॉफ्टवेयर में मौजूद हैं। अच्छा जी, ये आपको एक प्राइस अर्निंग रेशियो का डेटा दिया जाएगा। बेसिकली जो स्टेशनरी फिनोमिना है सॉरी ये जो स्टेशनरी फिनोमिना है ये बेसिकली प्राइस अर्निंग रेशियो जो है ये बेसिकली अगर आपके पास स्टेशनरी प्रोसेस है तो इट मींस कि आपने लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की तरफ या ये इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ आती है। नॉन स्टेशनरी का मतलब है कि वो इक्विलिब्रियम को वापस नहीं आती। तो आई प्रोवाइड यू डेटा। तो व्हाट इज नॉन स्टेशनरी, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट, हाउ डू वी डिटरमिन वेदर अ टाइम सीरीज इज नॉन स्टेशनरी इज माई टॉपिक फॉर नेक्स्ट वीडियो, जो कि अभी मैं अपलोड करने लगा हूं। सो प्लीज टेक केयर, कीप ऑन वॉचिंग।